हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बट यू नो, आज एक पोपट हो गया। सुबह सुबह का टाइम है एंड जो भी प्लानिंग की थी सारी धरी की धरी रह गई है। बट इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और अभी मैं जा रही हूँ घर, बताऊँगी आपको। टुडे 2nd of April एंड ऐसे लग रहा है कि इन्होंने जहाँ पर मैं गई थी मुझे अप्रैल फूल बना दिया। पर चलो कोई बात नहीं। पर सुबह सुबह जब हम पैसे खर्च करके आते हैं तो फिर दुख लगता है और काम भी ना हो, राइट? तो चलिए जी, कोई बात नहीं, चलते हैं घर पे। कर रहा है, ठंड लग जाएगी, अंदर जाओ। नाया भी आ गया भाग के। मम्मी सैड क्यों है मेरी बेटी? हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ घर। आज का मेरा कुछ प्रोग्राम डिफरेंट था, सारा हॉचपॉच हो गया। मैं वैसे खाना बनाकर गई थी बट शर्मा जी ये कहते हैं कि अब तुम घर पे हो तो हमें खाने हैं आलू के परांठे, बिकॉज टुडे इज संडे। सो वंस इन अ वीक हैवी स्टफ ये खा लेते हैं, मैं नहीं खाऊंगी। एंड बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, मेरे ओट्स डन हैं, मैंने खा लिए थे। और अनाया तो नहीं खाती है, आरव भी रेयरली ही खाता है। तो मैंने अभी आलू बॉईल करने रखे हैं, ये देखिए। हालांकि सब्जी है, टाइम 9:14 हो गए हैं बट इट्स ओके। तो मुझे आटा भी दोबारा से गूंदना पड़ेगा। आटा है बट नॉट सफिशिएंट, तो चलो कर लेते हैं आटे को। एंड इससे पहले थोड़े से मैं ये लगा देती हूँ बर्तन, थोड़े से लगा भी दिए हैं मैंने। हेलो एवरीवन, तो हाँ जी, हमारा ब्रेकफास्ट डन हो गया है। अभी तो बल्कि 12 बज रहे हैं, उसके बाद हमने और भी बहुत काम कर लिए हैं। तो अभी घर की क्लीनिंग की बारी आती है। देखिए, वो मैंने झाड़ू रखा है, हाथ में ब्रश उठाया हुआ है। मुझे आज काउच अच्छे से झाड़ने हैं, बहुत दिन हो गए हैं। अरेंज करना ही पड़ता है। देखिए, कलर्स यहाँ पर हैं एंड ये बॉक्स है खाली। तो ये आरव को करना चाहिए था बट मम्मा कर रही है, इट्स ओके, मम्मा तो कर ही देती है ना आरव? हाँ जी। व्हाट डू यू से टू मी? थैंक यू। यू आर वेलकम। बट इट वुड बी बेटर इफ यू विल अरेंज बाय योरसेल्फ, राइट? Yeah. इसको यहाँ पे रखती हैं। ये ना देखिए, ये ऐसे कार्डबोर्ड का पीस है। मुझे ऐसे हो रहा है कि इस पे कुछ बनाऊं बिकॉज अच्छी कवरेज दे रहा है ये ऐसे। देखते हैं, इसको यहीं पे रख देते हैं। एंड ये अनाया के लिए है बट तो ये अरब का टेबल मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये ना जस्ट लाइक मैट ही है, इसको मैंने ऐसे बिछा दिया, अच्छा भी लग रहा है एंड क्लीन भी हो जाएगा इजीली। ये है क्ले, सारा दिन क्ले के साथ लगे रहते हैं बच्चे। अभी मैं हर जा रही हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। सो इसको वैसे ये सेक्शन क्लीन ही है। एंड कल ना, यस, आरव मेरे साथ कोई गेम खेल रहा था तो मैं $20 जीत गई हूँ आरव से, राइट आरव? पर आरव ने मुझे दिए थे, मैंने इसको वापस कर दिए। बट यस, आरव की ये बात अच्छी है कि इसने बोला था तो इसने मुझे दिए। ये बात ज़्यादा मायने रखती है, डोंट डू दैट आरव।
गया है एंड अभी मैं जा रही हूँ वॉशरूम में, मुझे सिंक क्लीन करनी है, वो मिरर क्लीन करना है अच्छे से, तो चलते हैं। ये विंडेक्स लिया हमने, ये हूँ मैं, इसको स्प्रे कर देते हैं एंड अभी मैं सिंक क्लीन कर लेती हूँ। टूट गई, ये भी बहुत सख्त हो गई थी, मैंने ऐसे कर दी तो टूट गई। क्या चमका दिया है हमने अच्छे से मिरर को। अभी काम ख़त्म कहाँ, अभी चलना है मुझे किचन में, डिशेस मेरा वेट कर रही हैं। ये डिशेस कभी पीछा नहीं छोड़ती, ये काम अच्छा नहीं लगता। मैं वैसे तो डिश वॉशर यूज़ कर सकती हूँ पर इससे मुझे काम बड़ा हुआ लगता है, पहले डालो फिर इतनी देर तक वेट करो एंड फिर उसको निकालो फिर ड्राई करो उन डिशेस को, सो नो आई कैन डू दैट। ये देखिए इतनी सारी डिशेज़ हैं जो मैंने अभी इनको मांजा है ना, मांजना बोलते हैं ना, तो अभी इनको क्लीन भी करना है, वॉश करना है। लाइक डिशेज हो गई हैं हमारी डन, तो अभी क्लीन करना है शेल्फ को। एक बार ऊपर ऊपर से कर देती हूँ फिर अच्छे से दोबारा से करूँगी। ओके एक बार थोड़ा सा सांस चढ़ गया मुझे क्लीनिंग करते करते, बट यस आई एम हैप्पी नाउ, मेरी किचन चमचमा रही है, मुझे ऐसी ही किचन चाहिए होती है। ये देखिए चमक रही है ना, एक बज गया, मैं 12 बजे शुरू हुई थी पर जल्दी से हो गया सारा काम ना। ये देखिए चमक रहा है ना सारा कुछ, ये वाला पोर्शन भी, दिस वन टू। ओके लिविंग रूम भी चमचमा रहा है हमारा, ऐसा घर दिखने को मिले ना तो दिल खुश हो जाता है, आँखों को जो सुकून मिलता है ना उसकी तो कहने ही क्या। हाँ जी, तो अभी ना मैं बैठी थी सोच रही थी ब्लॉग को एंड कर दूँ, तो मैं बताती हूँ आज क्या हुआ। आज का दिन जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, पता नहीं कैसा दिन है ना। देखिए सुबह मैंने आपको बोला था कि मेरी आज ट्रेनिंग थी, राइट, मैंने आज ट्रेनिंग पर जाना था रिगार्डिंग माय जॉब, तो मैं टैक्सी करके गई थी, राइट। सो गई भी सुबह सुबह, मैंने इन्वेस्टमेंट भी की फालतू की, फालतू में जो जिसका रिटर्न कुछ नहीं मिला, पर चलो कोई ना। पर यह दुख हुआ मैं वहाँ पर बोल गई, वो कहते कि आप का तो कैंसिल कर दिया था हमने, मैंने कहा मुझे तो कोई ईमेल आई नहीं है, कुछ नहीं आपने मेरे को सेंड किया, तो वो कहते मे बी बाय मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि कोई और पर्सन नहीं था ट्रेनिंग के लिए, आप अकेली थी तो हमने वो कैंसिल कर दी। तो मैंने कहा अब क्या, मुझे तो रीबुक करवानी है। वो कहते सैटरडे को मिलेगी, सैटरडे मैं नहीं जा सकती, बच्चे अकेले हो जाते हैं घर पर एंड फिर मैंने कहा मुझे संडे ही चाहिए क्योंकि शर्मा जी संडे को घर पे होते हैं। फिर डेट मिली है डेट, अभी मैं आपको नहीं बता सकती, तो मैंने कहा मुझे मेल कर दीजिए, मुझे कंफर्मेशन कुछ दीजिए। वो कहते कोई बात नहीं, मैं ही होऊंगा यहाँ पर, जो थे वहाँ पे आप आ जाइए, मैंने आपको नेक्स्ट सेशन में डाल दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने शर्मा जी को कॉल की कि आप मुझे लेने आ जाइए, क्योंकि अगर गाड़ी लेकर गई होती खुद से तो आ जाती। फिर ये कहते चल मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, तो ये मुझे लेने आए है ना। तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करके गई थी, सब कुछ बच्चों के लिए, इनके लिए लंच भी प्रिपेयर करके गई थी, बट फिर ये कहते नहीं हाँ अब तो तुम फ्री हो गई हो, आज आलू के परांठे बना दो। मैंने कहा ठीक है, इन्होंने खुद से आलू रख दिए सारा कुछ। तो मन में थोड़ा सा ऐसे भी हो रहा था कि सारा ब्रेकफास्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने उठ के तैयार किया, लंच भी प्रिपेयर किया, मतलब मुझे था कि काम डन हो गया, अब घर जाके और काम कर लूँगी है ना। बट जब इन्होंने बोला फिर मैंने कहा चलो कोई ना, आलू बॉईल करने रखे एंड मैंने आटा भी दोबारा से गूंदा क्योंकि वो फुलके बना के गई थी पहले तो मैं, एंड आटा ऑलमोस्ट डन था। फिर मैंने कहा चलो कोई ना, नहीं हाँ मैंने फटाफट से आटा गूंदा, अपने दूसरे काम शुरू किए। फिर आलू बॉयल हुए तो कहते कि
मैंने सारा मतलब पेल कर लिया सब कुछ, तो इनको भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, ये कहते कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा अभी पेल तो हो गए हैं बस थोड़ी सी देर और, तो इनको इतनी भूख लगी हुई थी तो फिर मेरे को बोलते कि चल छोड़ परांठे रहने दे, परांठे मत बना। दैट्स वाई आप सोच रहे होगे कि मैंने आपको वो क्लिप्स क्यों नहीं दिखाई जैसे परांठे बनाए हमने खाए या कैसे बने, है ना। तो दैट्स वाई वो क्लिप इस वजह से नहीं ली क्योंकि परांठे बने ही नहीं। तो मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है आज, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ें कर रहे हैं उससे उल्टा चीज़ें हो रही हैं। तो फिर वो भी नहीं बने, फिर कहते आलू रख लो, देखते हैं या तो आलू की सब्ज़ी बना लेना या देखते हैं, मैंने कहा कोई ना दोपहर में बना दूंगी परांठे, हालांकि ये दोपहर में ये नहीं खाती हैं, पर कोई ना आज मैं कुछ नहीं कह सकती, आज जो कह रहे हैं जो प्लानिंग होती है जो सोचा था कि संडे को ये हो जाएगा वो कुछ नहीं हो रहा। एंड टुमारो इज़ मंडे, मुझे जॉब पर जाना है, स्प्रिंग ब्रेक्स आर डन, आरव को भी स्कूल जाना है, अनाया को भी मेरे साथ जाना है, तो आज का दिन तो बस ऐसे ही जा रहा है। ऐसे लग रहा है बार बार पोपट हो रहा है कि जो चीज़ें सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रही हैं। तो फिर मैंने ना सुबह से जैसे मैंने परांठे भी नहीं बनाए तो यस और थोड़े बहुत काम किए थे, फिर ये कहते नेहा लॉन्ड्री कर लो, मैंने कहा मैंने तो लॉन्ड्री फ्राइडे को कर ली थी क्योंकि आज की प्लानिंग डिफरेंट थी, मुझे शाम को आना था ट्रेनिंग करके, तो मैंने एडवांस में ही सब कुछ कर लिया था। तो फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं करूँगी मैं तो, पर अभी लग रहा है मुझे करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे हो रहा है आज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो रहा है, बट यस तो आज का दिन तो बस अच्छा जा रहा है। वैसे मैंने बस एक चीज़ सोची है, मायूस नहीं होना, जो हो रहा है नेहा होने दो, जिस तरह से फ्लो में दिन निकल रहा है निकलने दो, एंजॉय करो, काम करो, इट्स ओके। थोड़ा सा हुआ था क्योंकि वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे ये था कि आज हो जाएगी तो डन, है ना, जैसे हमारी लिस्ट बनी होती है ये काम होने हैं, अपॉइंटमेंट्स ली होती हैं या जो भी प्लानिंग की होती है, बट चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ बस ये था मेरा आज का कल से मुझे जॉब पर जाना है, बहुत कर लिया इंजॉय। तो चलिए जी मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ, आप बताइएगा आपके साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ हो जाता है। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।